मार्वल स्टूडियोज ने एक जगह हमारा बहुत ही सफाई से काटा और कोई इस टॉपिक पर बात भी नहीं करना चाहता। हल्क का जो वर्जन हमें द इनक्रेडिबल हल्क में दिखा था और उसके बाद जो वर्जन हमें द अवेंजर्स मूवी में देखने के लिए मिला था, वो दोनों ही वर्जन सेम थे। यहाँ तक कि हमें एडवर्ड नॉर्टन वाले हल्के वर्जन की छोटी सी झलक द अवेंजर्स मूवी में भी देखने के लिए मिली थी। यहाँ मार्वल वालों से मेरा एक ही सवाल है कि उन्होंने एडवर्ड नॉर्टन को रिप्लेस ही क्यों किया, और किया तो किया, उसके बाद मार्क रफेलो वाले वर्जन के हल्क को इतना फुद्दू क्यों बना दिया भाई? और उसके बाद भी मार्वल वालों का मन कहाँ भरा? एक तो उसे फुद्दू कैरेक्टर बना दिया, ऊपर से उसके सिग्नेचर मूव्स जैसे कि हल्क स्मैश और थंडर क्लैप को भी आज तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया नहीं गया, जबकि एडवर्ड नॉर्टन वाले वर्जन के हल्क का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट था। इनफैक्ट हमें हल्क बस्टर के साथ हल्क की फाइट द इनक्रेडिबल हल्क के सीक्वल में ही देखने के लिए मिलने वाली थी, जिसे पहले पार्ट के क्रेडिट सीन में भी टीज किया गया था। और तो और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, रेड हल्क की एंट्री भी हमें उस सीक्वल में देखने के लिए मिलने वाली थी। खैर, इतनी अच्छी चीजों की शुरुआत शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी गई और हमें मिला मार्क रफेलो के वर्जन का एक फुद्दू हल्क।